तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज है 17 मई 2021, मतलब कि आज पबजी जो मोबाइल इंडिया जो वर्जन आने वाला था, जिसे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया करके कुछ नाम आया उसका, तो अब इंडियन वर्जन जो है पबजी का फाइनली वो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल हो चुका है आज से, मतलब 17 मई से। तो क्या आपको पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और क्या डिफरेंस है पबजी ग्लोबल से पबजी मोबाइल जो इंडियन आने वाला है उसके अंदर, और क्या पबजी ग्लोबल का जो अकाउंट है वो पबजी मोबाइल पे ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या फिर हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंट्रो चलने देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्री रजिस्ट्रेशन के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे ही आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये टॉप थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन लिखा होगा, ये थर्ड नंबर का जो आ रहा है। तो इस पे आपको टैप करके एक बार ये देखो, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन जो आ जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन का, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। आप चाहो तो आप करवा सकते हो, बट ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपको काफी जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पहले थोड़ा सा इसे अबाउट गेम पढ़ लिया जाए कि भाई एक्चुअल में ये है क्या चीज़ और क्या क्या इसके अंदर नए नए फीचर्स जो है वो ये ऐड करने वाले हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर साइड में डाल दूंगा। उस पर तो वही है कि वेलकम टू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, प्री रजिस्टर एंड गेट अमेजिंग रिवॉर्ड्स, वी वेलकम आर बिलव्ड फैंस ऑफ बैटल रॉयल गेम्स। ये इन्होंने कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, इन्होंने दिया हुआ है एंड गेट 4 अमेजिंग प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड, द रिकॉन मास्क। इसके अंदर आपको रिकॉन मास्क फ्री मिलेगा, रिकॉन आउटफिट फ्री मिलेगी, सेलिब्रेशन एक्सपर्ट टाइटल एंड 300 AG। दिस रिवॉर्ड इज एक्सक्लूसिव फॉर फैंस ऑफ द गेम हु प्री रजिस्टर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। मतलब अगर आप प्री रजिस्टर कराते हो तो आपको ये चार टॉप जो गिफ्ट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। अब ये AG का मतलब अभी तक मेरे को समझ नहीं आया, हो सकता है कि ये नई करेंसी टाइप की हो जाए, जैसे पबजी ग्लोबल के अंदर UC आता है, तो शायद इसके अंदर 300 AG आपको मिले, तो मतलब वो UC टाइप का ही हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया हुआ है, उसके बाद मोर देन प्योर कॉम्बैक्ट, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मैप दिए हुए हैं, इंडियन आउटफिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ये सिस्टम रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि भाई मिनिमम 2 GB रैम आपके फ़ोन की होनी चाहिए और एंड्रॉयड 5.1.1 से ऊपर होना चाहिए आपका फ़ोन। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो अब जानते हैं कि भाई ग्लोबल वर्जन जो पबजी का हम खेल रहे हैं अभी लास्ट टाइम से, जब भी मतलब जब से पबजी जो है इंडिया के अंदर आई है तो ग्लोबल वर्जन ही चल रहा था उसके अंदर, तो ग्लोबल वर्जन के मुकाबले ये जो इंडियन वर्जन जो ये लॉन्च हो रहा है तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये मेरे पास एक फोटो देख सकते हो, मैं साइड में लगा दूंगा इसे भी। तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर कंपैरिजन किया हुआ है कि भाई बैटल ग्राउंड पबजी मोबाइल ग्लोबल और पबजी मोबाइल इंडियन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जो पबजी मोबाइल ग्लोबल है ये अवेलेबल होगा पूरे ग्लोबली, बस चाइना और इंडिया को छोड़ के, चाइना और इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं होगा अब ये वर्जन। उसके बाद जो पबजी मोबाइल इंडिया वाला जो वर्जन आया है ये ओनली इंडिया के लिए होगा एक्सक्लूसिवली, और ये इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है जो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो ये पबजी मोबाइल खेलते हैं तो उनके रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, जैसे 2 घंटे खेल सकते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी उन्होंने लिमिट लगा रखी है एक दिन की। तो सेम जो है ग्लोबल के जैसा ही पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। उसके बाद मेन जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर हैं, डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। पबजी मोबाइल ग्लोबल के अंदर कोई भी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं थी अभी तक की, तो मतलब इसका जितना भी डेटा था वो सारा का सारा आउट ऑफ इंडिया सर्वर्स पर स्टोर होता था। बट यहाँ पर ये सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज जो है पबजी मोबाइल के अंदर आया है कि जो इसका डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी था अब वो आ चुकी है। इसका मतलब अगर आप पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन चलाते हो तो आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा इंडियन सर्वर पर ही स्टोर किया जाएगा। उसके बाद एक और यूनिक चीज़ है पबजी मोबाइल, अगर आप ग्लोबल चला रहे हो तो आप जो मैचिंग करते हो पबजी मोबाइल में, जैसे मान लो अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो और आपके पास आपकी स्क्वाड में मतलब आपके सिर्फ 2 ही फ्रेंड है और 2 आप रैंडम पिक कर रहे हो, तो उसके अंदर हो सकता है कि ग्लोबल जो पर्सन हैं उनके साथ भी आपकी मैचिंग हो जाती थी ऑटो मैच जो होता था। बट इंडियन वर्जन के अंदर जो भी ऑटो मैचिंग होगी वो सबके सब इंडियन प्लेयर्स पर ही होगी। मतलब इसका मतलब यही है कि भाई अब जो है इंडियन गेम जो है ये पबजी मोबाइल जो इंडियन वर्जन है इसका एटमोस्फेयर ही पूरा ग्लोबल और कोरियन वर्जन से बिल्कुल अलग होगा, तो सब कुछ इंडियन वर्जन के अंदर ही होगा।
पबजी मोबाइल ग्लोबल के अंदर जो कंटेंट होता है वो चाहे आप पबजी मोबाइल ग्लोबल को इंडिया में खेल लो, चाहे आप यूएस में खेल लो, चाहे आप जापान में खेल लो, सबका कंटेंट जो है आपको सेम मिलेगा। बट इंडियन वर्जन जो है ये एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी एक्सक्लूसिव इंडिया के लिए ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मतलब हो सकता है इसके अंदर आपको कुछ इंडियन सिटीज भी देखने को मिल जाए इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कह रहा कि भी अभी जो अपडेट आएगा उसी के अंदर ऐसा हो जाएगा, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कुछ इंडियन आउटफिट्स मिल जाएं, कुछ इंडियन जो मतलब जो वर्ड होते हैं जैसे नॉर्मल कुछ बोलते हैं वो आपको मिल सकता है, इंडियन वॉइस मिल सकती है, इंडियन एक्सेंट मिल सकता है, जैसे नॉर्मल आप इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो इंडियन एक्सेंट में बोल सकते हैं। उसके बाद काफ़ी कुछ है, इंडियन आउटफिट्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, और सेम जो है नेक्स्ट पॉइंट में भी है सेम आउटफिट्स एज मतलब अक्रॉस ग्लोब ग्लोबल वर्जन के अंदर, और जो इंडियन आउटफिट्स हैं वो स्पेसिफिक इंडियन वर्जन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं डेवलप मतलब डेवलप्ड बाय। अब गाइस यहाँ पर डेवलपमेंट में तो खैर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ पब्लिशर जो था पहले वो टेंसेंट था, मतलब इंडिया के अंदर मतलब पूरे ऑल ओवर ग्लोब ग्लोबल वर्जन जो है पबजी मोबाइल की उसे उसका जो पब्लिशर है वो अभी भी टेंसेंट है, बट जो इंडियन वर्जन आ रहा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो ये आ रहा है इसका जो पब्लिशर है अब वो है क्राफ्टन। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्राफ्टन कौन है, कौन सी कंपनी है, कहाँ की है। तो एक बार मैं सर्च करके आपको यही लाइव दिखा देता हूँ कि क्राफ्टन कहाँ की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मैंने अभी विकिपीडिया पे सर्च किया है, पहले मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है क्राफ्टन साउथ कोरिया की कंपनी है, तो मतलब अब इसके अंदर मतलब यही है कि अब चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर पूरी की तरह से मतलब पूरी तरह से अब जो है खत्म कर दिया गया है पबजी की तरफ से, और अब जो है ये क्राफ्टन ही पब्लिशर होगा इसका। तो इंडियन वर्जन जो भी आ रहा है वो प्रॉपर इंडिया के लिए ही डिजाइन किया है, इंडिया के लिए ही डेवलप किया है, इसका डेटा जो है इंडिया पे स्टोर किया मतलब स्टोर होगा। तो अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, 4 एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी प्री रजिस्ट्रेशन करा लो इससे पहले कि इसकी लिमिट जो है फुल हो जाए, क्योंकि बहुत बंदे इस पर प्री रजिस्ट्रेशन कराने की मतलब ट्राई कर रहे होंगे या कर रहे होंगे। तो ये थी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं बता सकता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।